तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ कि आप टमाटर का सूप कैसे बनाएं। तो बहुत ही इजी और बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आपको क्या करना है, दो टमाटर लेने हैं, इसे कद्दूकस कर लीजिए और इसका रस निकाल लीजिए। फिर आप कोई सा भी एक सूप ले लीजिए, या तो फिर ग्रिसलिन सूप, पेयर सूप, या तो फिर आप डव सूप ले लीजिए। इसे कद्दूकस कर लीजिए, इसे साइड में रख दीजिए। फिर आपको क्या करना है, जो टमाटर को आप पीसे थे इसका रस निकाल लेना है। फिर रस निकालने के बाद इसमें सामान ऐड करना है, वो सामान का मैं आपको नाम बताती हूँ। आपको दो विटामिन ई का कैप्सूल ऐड कर दीजिए, एक चम्मच आप कोई सा भी ऑयल ऐड करना है, बादाम ऑयल या कोकोनट ऑयल। फिर आप इसमें एक चम्मच एलोवेरा जेल ऐड कर दीजिए, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, जो सूप को रखे थे उसे कोई से भी बर्तन में डालकर उसे मेल्ट कर लीजिए। मेल्ट करने के बाद आप इसमें जो सामान लिए थे, टमाटर और जो भी आप सामान लिए थे, इसे इसमें डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और कोई भी कंटेनर में रख कर आप इसमें फ्रीजर अंदर डाल दीजिए इसे 2 घंटे के लिए। फिर आप देखेंगे कि आपका सूप बिल्कुल ही रेडी हो जाएगा। और एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा रेमेडी है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा।